Hello everyone, this is Arpit here with a brand new video on my channel guys, and in today's video we are going to talk about on gyroscope, which is very popular, very interesting topic aur kafi need bhi hai logo ko gyroscope seekhne ki, because gyroscope se bahut benefits hote hai aur kuch log abhi tak confusion mein hai. To I hope jitne bhi choti choti cheeze main cover karunga na is video mein, dekho main जो बिग पॉइंट्स होंगे वो तो हम कवर करेंगे, जैसे जायरोस्कोप बिगिनर स्टेप्स और वो सब, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको, जिससे आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में जायरोस्कोप को लेकर कि मैं ये कैसे करता हूँ या काफ़ी अच्छे प्लेयर्स कैसे करते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें सब क्लियर होने वाला है. इस वीडियो में जायरोस्कोप की बात करेंगे. और मैं पहले एक चीज़ बता दूँ कि एक न्यूज़ आई है कि लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो लिंक्डइन पे जॉब की वैकेंसीज निकली, आप ये समझ सकते हो, और वो वैकेंसीज है पबजी की जॉब की, ठीक है. तो आज ही टेक्निकल गुरुजी ने वीडियो अपलोड किया, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ. मैं कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को ऐसा लगता है वैसा लगता है. जस्ट टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया है कि पबजी मतलब जल्दी वापस आ सकता है, बिकॉज अगर पबजी इंडिया में लिंक्डइन पे जॉब्स ऑफर कर रहा है लोगों को, तो किसी ना किसी रीज़न से कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा होगा ऐसा कि ये लोग पबजी को वापस लाए इंडिया में, ताकि तभी तो जॉब निकाल ली. ऑब्वियस सी बात है यार, तो सीधी सी बात यही है. तो मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ, आप लोग मुझे बाद में कमेंट मत करना कि ऐसा है वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, जस्ट मैं आपको क्लियर कर रहा था. और जायरोस्कोप की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी सेटअप की, और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सेंसिटिविटी. सो लेट्स टॉक अबाउट सेंसिटिविटी. बट सेंसिटिविटी से पहले जो भी वीडियो देख रहा है फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और लेट्स टॉक अबाउट सेंसिटिविटी. तो ये आप देख सकते हो मेरी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी है. अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, फटाफट क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा. थर्ड पर्सन नोस्कोप वही होती है जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपका स्कोप ओपन नहीं होता है, सिर्फ आप क्रॉस एयर से मतलब लेफ्ट राइट करते हो. जायरोस्कोप ऐसे वर्क करता है फोन में, ठीक है, आपको थंब से एम करने की जरूरत नहीं है, जायरोस्कोप ऐसे वर्क करता है, राइट. तो यहाँ पर थर्ड पर्सन नोस्कोप वो हो गई, थर्ड पर्सन मतलब TPP यानी थर्ड पर्सन, ठीक है. फर्स्ट पर्सन नोस्कोप मतलब FPP, तो ये FPP में वर्क करेगा. रेड डॉट होलोग्राफिक उसके लिए यूज़ होती है, 2X, 3X, 4X, 6X और 8X सब जायरोस्कोप में इस तरह से यूज़ होती है, और मैंने अपनी फुल कर रखी है, ठीक है. तो जो लोग बिगनर है ना, सबसे पहले मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लोग बिगनर है वो प्लीज़ कम रखें, बिकॉज बहुत थोड़ा सा भी आप लेफ्ट राइट करोगे तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट हो जाएगा, और वो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है. सो या उसको थोड़ा सा कम रखें. आपको स्टार्टिंग में जब आप नॉर्मल भी चल रहे होगे ना सीधा, तो आपको लगे और वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन, मेरा एम नहीं लग रहा है, बिकॉज आपको थंब से आदत है. हम लोग क्या करते हैं, जायरो से यूज़ करते हैं, जो लोग जायरो प्लेयर्स हैं. तो प्लीज़ 300 से आप 200 रख सकते हो, 150 रख सकते हो, बट इससे कम रखोगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं उस चीज़ का. एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, सामने से बहुत नॉइस आ रही है, इसके लिए सॉरी. लेट्स अबाउट सेकंड पॉइंट, विच इज़ हाउ टू होल्ड व्हाट, मतलब आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो कैसी रहनी चाहिए. मैं आपको बता दूं, कुछ लोग लेट के खेलते हैं. अब लेट के खेलता था मैं भी पहले, आज से 6 महीने पहले. अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, कि जब भी आप एकदम से लेफ्ट या राइट पे आपके कोई बंदा आ जाता है, तो आप एकदम से फ्लिक शॉट नहीं मार पाते हो लेट के खेलते हो. तो अब बैठ के खेलते ना, तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं मोस्टली, ठीक है. किसी चीज़ पे कुछ लोग तकिया रखते हैं बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल जोनाथन हो गया. जोनाथन को काफ़ी लोग देते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. जोनाथन हो गया, अब वो तकिए पे ऐसे हाथ रखता है, ठीक है. और मॉर्टल भी कहीं ना कहीं हाथ रखता है, कोई ना कोई मतलब सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे अपनी जो नीज़ होती है उसको टच करते हैं, बिकॉज ऐसे हवा में हाथ रहेंगे ना, तो थोड़ी देर तक आप खेल के थक जाओगे, आपके शोल्डर बाइसेप्स पेन होने लग जाएंगे. तो आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है, किसी चीज़ पर. तो ये एकदम परफेक्ट पोजिशन है लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए. सो इससे क्या होता है, जब आप खेल रहे होते हो तो आप एकदम से एम कर पाओगे, बट अभी नहीं आप सोचोगे मैं जायरोस्कोप ऑन किया तकिया रख लिया और मैं खेल पाऊंगा, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस के बाद. और जायरोस्कोप के ऊपर थोड़ी सी ड्रिल्स वगैरह का आपको देखनी है तो मेरे चैनल में मिल जाएगी, जस्ट कुछ नहीं करना, जायरोस्कोप ड्रिल सर्च करो, पॉटर गेमिंग डालो, आगे सब कुछ आ जाएगा. तो सिटिंग पोजिशन मैं बता देता हूँ आपको, तो मैंने बताई दी एक्चुअली कि लेट के मत खेलो तो जायरोस्कोप अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा. अगर बैठ के खेलो, हाँ लेट के खेलोगे तो आप रिकॉइल वगैरह कंट्रोल कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, बट इतने फ्लिक शॉट्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे लेट के खेलोगे. तो बैठ के खेलोगे तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. एंड नाउ लेट्स अबाउट पॉइंट नंबर 3, विच इज़ हाउ टू यूज़, ठीक है. जो सिंपल सा बेसिक सा स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि देखो जायरोस्कोप में सीधी सी बात है, आपको पूरा मोबाइल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है, आपको थंब के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता. यहाँ पे देखो सीन होता है कि जब आपको बंदे का एम डाउन करना है, नीचे दिखाना उसको, तो सिंपली मोबाइल को नीचे कर दो, ठीक है. उसको ऊपर दिखाना तो ऊपर कर दो लाइक दिस, ठीक है. और आप सोचो कि यार मैं इतना ऊपर करूँगा, मुझे खुद को नहीं दिखेगा, व्यू नहीं आएगा, तो मैं कैसे किसको मारूंगा. तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इतना ऊपर करने की जरूरत नहीं होती उसमें लाइक आप इतना सा भी करोगे ना, इतना सा भी अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट, राइट करने के लिए राइट. तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है. अब मैं आपको बताऊँ, देखो
हाउ टू यूज़ का मैंने बता दिया। लेट्स अबाउट पॉइंट नंबर फोर विच इज़ फ्लिक्स वाइल फायरिंग। तो जैसे कुछ होता है कि कई बार आप एक बंदे को मार रहे हो, आपके लेफ्ट में एक बंदा आ गया, तो आपको क्या करना होता है। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज है कि प्लेयर्स जो प्रो प्लेयर्स है वो कैसे करते हैं। मैं अपने आप को नहीं गिनता उसमें, मैं समझाता हूँ बस अच्छे से, और मैं इतना कुछ खास खेलता भी नहीं हूँ। सो या जो प्रो प्लेयर्स है वो कैसे यूज़ करते हैं, लाइक दिस। अब लेफ्ट में बंदा आ गया ना, तो वो यूँ करते हैं फ्लिक्स के लिए, ठीक है, यूँ। अब उनको इतनी प्रैक्टिस होती है कि उनको पता रहता है कि अगर इतना लेफ्ट में बंदा आया, ठीक है, इतना, तो मुझे इतना एम टिल्ट करना है। ज़्यादा लेफ्ट में आ गया तो मुझे ज़्यादा अपने मोबाइल को टिल्ट करना है, एम टिल्ट नहीं, सॉरी, ज़्यादा अपने फ़ोन को टिल्ट करना है। अब वो प्रैक्टिस कैसे होती है, जो ट्रेनिंग रूम में छोटे वो लगे हुए होते हैं ना, उन पर शिफ्ट कर करके प्रैक्टिस होती है। पहले वो 50 मीटर वाले पे मारते हैं, फिर 40 वाले पे मारते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा एरिया कवर हो गया। फिर वो 50 से 60 वाले मारते हैं, फिर बड़ा एरिया, फिर 50 से 100 वाले पे, तो इतना भी फ्लिक करके प्रैक्टिस करते हैं, और मैं भी करता हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारा ठीक रहता है। तो जो नए प्लेयर्स हैं वो उन ड्रिल्स की वीडियोज़ को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और बात करते हैं रिकॉइल कंट्रोल की। तो अब आप सोच रहे हो मैं नीचे क्या देखना, एक्चुअली मैंने कॉपी में लिखा हुआ है बहुत कुछ कि कैसे क्या बताना है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाए, ठीक है। सो या लेट्स टॉक अबाउट रिकॉइल कंट्रोल। रिकॉइल कंट्रोल विच इज़ अ बेसिकली सिंपल थिंग इन जायरोस्कोप, बहुत ईजी होता है, बिकॉज जायरोस्कोप में क्या थंब में क्या होता है, मतलब जब नॉन जायरो प्लेस की बात कर रहा हूँ, वो जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे थंब रखा, ठीक है, एक स्क्रीन इतनी सी है, उसमें बीच में थंब रखा, इतना सा नीचे क्या इसकी स्क्रीन का जो जगह है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद वापस से क्या थोड़ी आप ऊपर थंब रखोगे, फिर नीचे करोगे, ऊपर थंब रखोगे, बहुत अगर जायरो कंट्रोल करना है तो, जायरो नहीं, सॉरी, क्या बोलूँ, रिकॉल कंट्रोल करना है तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ क्या होती है फ़ोन में। अगर मैंने देखो यहाँ पे मान लो 3x का, देखो आप देख सकते हो 3x का 240 सेंसिटिविटी रखी हुई है, राइट। तो अगर मैं इतना सा यूँ नीचे करूँगा ना, लाइक दिस, ठीक है, तो मेरा पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब जितने भी 40 गोलियाँ होती हैं ना M4 में, सारी की सारी चली जाएंगी, और वापस से मैं यूँ कर लूँगा सीधा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसमें, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जब आप फायर करते हो, फायर करते टाइम गन ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपको एम डाउन करना है उसको संभालने के लिए, तो आपको जैसे जैसे ऊपर जा रही है आपको नीचे रखना है उसको, तो वो बीच में बैलेंस हो जाएगी। और उस बैलेंस को जांचने के लिए, परखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग रूम में जाना पड़ेगा और सेंसी आपको सेट करनी पड़ेगी। तो मेरी सेंसी तो यार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब बिगनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रो प्लेयर्स या जो एडवांस लेवल के प्लेयर्स हैं वो तो भाई सब फुल रखते हैं, उनका कुछ नहीं है, ठीक है। बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में ज़्यादा लगती, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। और चलो ठीक है, रिकॉइल कंट्रोल हो गया, फ्लिक शॉट्स हो गए, आपको पता लग गया है कि कैसे फ्लिक्स मारते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। वो चीज़ क्लोज रेंज की बात नहीं कर रहा था मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे अगर लेफ्ट में बंदा आ गया तो वो ऐसे फ्लिक मारते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा आपके सामने खड़ा है और आप फ्लिक मार रहे हो, वैसे नहीं। जब बंदा थोड़ा सा दूर है, जब आप स्प्रे ट्रांसफ़र कर रहे हो, फ्लिक्स कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा बहुत फ्लिक करना चाहते हो, अगर आप स्नाइपर हो तो भी यूँ हल्का सा, लाइक मोबाइल को यूँ हल्का सा पकड़ के, मान लो आपने राइट खिड़की पे एम कर रखा है, ठीक है, आप स्नाइपर हो, एकदम से बंदा लेफ्ट वाली विंडो पे पीक करता है, तो आप इतना सा फ्लिक करके पट, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे ही चीज़ वर्क करती है। सो आई होप कि छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट विच इज़ क्लोज रेंज एंड जिगलिंग के टाइम पे जो आप एम करते हो, वो कैसे करता हूँ मैं, या फिर लोग कैसे करते हैं। सो बेसिक सा फंडा है क्लोज रेंज का, एक पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बेसिकली कि क्लोज रेंज में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्लोज रेंज में जायरो कैसे कंट्रोल करते हो, लाइक अगर आप थंब से करते हो या फिर आप इससे करते हो, जायरो से करते हो। तो मैं आपको बता दूं गाइस, मान लो मैं कहीं अंदर, मतलब मान लो किसी घर में घुसा और एकदम से ऊपर की साइड बंदा है, लाइक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो जायरो से हो जाता है, लाइक दिस, यूँ पकड़ा आपने, यूँ करके ऊपर कर दिया, ठीक है। आप जैसे अंदर घुसे खेल रहे हो, एकदम से ऊपर बंदा आया, आपने स्प्रे किया यूँ करके, लाइक हम यूँ देखते हैं, ठीक है, और यूँ बंदे को मारा, ठीक है, सिंपल है ये चीज़, जायरो से करते हैं। बट एकदम से ऊपर तो है बंदा, बट वो थोड़ा सा आपसे सामने, इसलिए आपने जायरो से कर लिया, बट एकदम ऊपर होगा ना, लाइक दिस, तो नहीं मार पाओगे यार ऐसे, ठीक है। और जैसे आप किसी विंडो के नीचे जा रहे हो, ऊपर विंडो है, तो एकदम से ऊपर करना है ना, तो थोड़ा बहुत थंब यूज़ होता है, इतना नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा थंब यूज़ किया तो एम उस बंदे के क्लोज आ गया, ठीक है। जैसे मान लो ये बंदा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैंने थंब ऊपर किया, मेरा एम यहाँ तक आ गया, राइट, बंदा यहाँ पे है, और बाकी का काम मैं जायरो से करता हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो बंदा है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा एम ऊपर किया, लाइक थंब से, ठीक है, यूँ किया,
लाइक थंब से ऊपर किया और बाकी थोड़ा सा जायरो कर लिया। तो ये चीज़ हम करते हैं। अब यार अगर हम थंब से ही उस बंदे पे एम ले जाएंगे तो थंब की इतनी प्रैक्टिस होगी तो फिर जायरो यूज़ ही क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी जो एरियाज कवर करने के लिए ना जायरो का यूज़ बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्प्रे कंट्रोल के लिए होता है, कार स्प्रे के लिए होता है। कार स्प्रे में बेसिकली कैसे होता है जायरो, जब कार सामने से जा रही होती है, ठीक है, तो हम लोग यूँ करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे अगर कार राइट जा रही है तो राइट में यूँ करना है, बट रिकॉइल भी तो कंट्रोल करना है साथ के साथ, क्योंकि अगर हम गन को राइट ले जाएंगे, गन का फायर भी तो हो रहा है, तो गन तो ऊपर जाएगी, लाइक यूँ जाएगी गन, ठीक है। तो हम यूँ थोड़ी करेंगे, उसके लिए क्या करना, तो यूँ राइट प्लस थोड़ा सा नीचे, लाइक यूँ टेढ़ा घुमाना होता है ताकि रिकॉइल भी कंट्रोल होता रहे, लेफ्ट राइट भी जाते रहे। तो समझ गए बेसिकली फंडा। सो अब मैं आपको बताता हूँ क्लोज रेंज जिगलिंग के टाइम पे जो एम करते हैं। अब क्लोज रेंज में क्या होता है, कई बार बंदा बिल्कुल 90 डिग्री लेफ्ट हो जाता है, तो उस टाइम क्या करना होता है, हल्का सा थंब और बाकी जायरो, ठीक है। इतना करते हैं सब लोग, कुछ लोग बिल्कुल थंब यूज़ नहीं करते, लाइक जो काफ़ी बिल्कुल जायरो पे डिपेंड रहते हैं, वो चीज़ की यार मैंने प्रैक्टिस नहीं की स्टार्टिंग से, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। कुछ लोग बिल्कुल जायरो पे डिपेंड रहते हैं, वो काफ़ी 90 डिग्री भी यूँ करते हैं, उनकी सेटिंग पोजिशन ऐसी होती है जैसे लाइक ये घूमने वाली चेयर है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं ईजिली, सो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बट वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे पता लगेगा। क्लोज रेंज मैंने आपको बता दिया, क्लोज रेंज में भी काफ़ी टाइम जायरो यूज़ होता है, काफ़ी टाइम नहीं बहुत टाइम, और जो जायरो पे बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं वो तो क्लोज रेंज में जायरो ही यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि यार क्लोज रेंज में भी हम थंब यूज़ करें जायरो, या जो भी कन्फ्यूजन है, तो स्टार्टिंग में तो थंब यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि आपकी जो हैबिट है वो छूटने वाली है नहीं। अगर आपने जायरो स्कोप अभी भी ऑन किया, एक महीना हुआ है, एक डेढ़ महीना हुआ है, तो भी वो प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, बट थोड़ा टाइम हो जाएगा तो वो छूट जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जिगलिंग के टाइम पे जो एम करते हैं, मान लो अपन जिगल कर रहे हैं और सामने वाला बंदा भी जिगल कर रहा है, तो उस टाइम भी प्रॉपर जायरो की ज़रूरत होती है। जायरो प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग थंब तो यूज़ ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी, मतलब नॉट एट ऑल। तो अब मैं बता दूँ एक चीज़ आपको, फॉर एग्जाम्पल सामने एक बंदा है, ठीक है, अगर मैं अपने क्रॉस चेयर को, अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट कर रहा हूँ, तो बंदा लेफ्ट जा रहा है, मेरा बंदा, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, और लेफ्ट जाते जाते मेरे को यूँ राइट में एम करना होता है, ठीक है, यूँ 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 जिगल करते टाइम, मान लो मेरा थंब भी चल रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और मैं यूँ भी करता हूँ, ठीक है। ऐसे होता है जिगल करते टाइम एम, आप सोचो कि जिगल करते टाइम हम कुछ नहीं कर रहे, लेफ्ट राइट कर रहे और थंब से एम कर रहे, ऐसे कुछ नहीं है। जिगल करते टाइम जैसे बंदा कई बार क्रॉस वो हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने राइट किया और बंदा लेफ्ट हो गया, ठीक है, तो आपका एम पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, होता होगा काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत होता है, अभी तक मैं नहीं बोलूँगा मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, मेरे साथ अभी भी बहुत होता है। ऐसा होता है कि मान लो मैंने लेफ्ट एम किया, ठीक है, बंदा राइट चला गया, तो फिर मैं लेफ्ट राइट एम कर रहा हूँ, बंदा राइट आ गया, ऐसे जो भी उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन। तो उस टाइम ऐसे फटाफट फटाफट एकदम से मतलब करना पड़ता है यार, और उस टाइम आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि बंदा किधर है, क्रॉस है, उसके ऊपर ले जाना है आपको, फटाफट से उसको मारना है, वरना वो इतना जिगल देख के आपको मार देगा। अगर सामने वाला जिगल नहीं कर रहा है, आप जिगल कर रहे हो, तो ठीक है, आप बीच में एम कर सकते हो, वो बहुत ईजी होता है, बट जब बिल्कुल क्रॉस ओवर हो जाता है ना, तो फिर फटाफट से यार आपको एम करना पड़ता है और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अब बेसिक सी, इसको बुक को बंद करो, अब बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है यार, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिए कि कैसे जायरोस्कोप में क्लोज रेंज में कैसे फाइट्स लेते हैं, फ्लिक्स कैसे करते हैं लोग, ठीक है। और जो ड्रिल्स है ना, वो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ वीडियो ऑन जायरोस्कोप ड्रिल्स, ये मैं आपको बेसिकली बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ सब कुछ, कि कैसे जायरोस्कोप आप यूज़ कर सकते हो ऑलवेज ऑन पे, और बहुत सही रहता है यार। रिकॉइल कंट्रोल करना मैंने आपको बता दिया, सिंपली आपको मोबाइल पकड़ना और मोबाइल को जो टिल्ट करना नीचे, आपका रिकॉइल कंट्रोल होगा, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि फटाफट जायरोस्कोप ऑन किया क्लासिक में मार रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो रातों रात तो कोई ऐसा मतलब मैजिक है नहीं जो आपको सिखा दे। सो या दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना है, और जो भी जायरोस्कोप से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं कैसे करता हूँ, या वो कैसे करता है, या वो कैसे करता है, आप मुझे बता सकते हो कि प्लीज़ बताओ कि वो कैसे करता है ऐसी चीज़, मतलब वो पर्टिकुलर बंदा कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो जिसके आप फ़ैन हो, जिसकी वीडियोज़ देखते हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट आपको बताने का कि मैं बता पाऊँ। और यस, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।